Hello everyone, welcome back for the another video of this chapter. Previous article में हमने discuss किया था resistance के बारे में and resistivity के बारे में. Resistance आप जानते हो क्या होती है, conductor की ability होती है resist करने की flow of charge को, उसको हम बोलते हैं resistance. Resistivity क्या होती है, resistivity होती है equal to the resistance. अगर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने पास में 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ ऑफ वायर कितनी हो 1 मीटर हो, तो उस केस में रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस की क्या होती है, इक्वल होती है. आप ऐसे सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लिए या कंडक्टर के लिए या चार्ज फ्लो के लिए हार्मफुल होता है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. आप उसको इसी तरह से ले सकते हो जैसे आप फ्रिक्शन को लेते हो. फ्रिक्शन क्या होता है, हमारे लिए यूजफुल भी होता है और हमारे लिए हार्मफुल भी होता है. अब देखिए, जैसे अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की या इलेक्ट्रिक टोस्टर की या इलेक्ट्रिक आयरन की, तो वो कौन से डिवाइस है, कुछ लाइट प्रोड्यूस करने वाले हैं, कुछ हीटिंग डिवाइस है, तो इनके अंदर रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस हो जाती है. क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे चार्ज फ्लो करेगा ना इनमें से, तो क्या होता है कि ये डिवाइस हीट होंगे. हीट कैसे होंगे उसी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं. यहां पर अगर हम बात करते हैं एलॉय की, तो आप अच्छे से जानते हो कि एलॉय क्या होते हैं. एलॉय होते हैं होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल या मेटल एंड नॉन मेटल, उसको हम बोलते हैं एलॉय. एलॉय की अगर हम बात करते हैं तो आपने एनसीईआरटी के अंदर टेबल देखी होगी जिसमें रेजिस्टिविटी गिवन है एट 20 डिग्री सेल्सियस. उसमें आपने देखा कि जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम है, जबकि अगर हम बात करते हैं एलॉय की, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी क्या है, ग्रेटर है. जबकि आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इंसुलेटर पर जाओगे, इंसुलेटर की है, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाइयर होती है. रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय is higher than its constituent metal. इसको देखते हैं तो इसमें बात आती है एलॉय की. तो पहले हम बात करें constituent metal की. जैसे आपने एक metal लिए copper, कॉपर को आप क्या बोलते हो, कंडक्टर है. क्यों कंडक्टर है, क्योंकि आप बोलोगे कि इसमें जो चार्ज इजिली है जो पास हो जाता है, इसलिए उसको कंडक्टर बोलोगे. अगर कॉपर की हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, जैसे कि आपके टेबल में दिया हुआ है 1.62 × 10⁻⁷ ओम मीटर. ओम मीटर क्यों राइट किया है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है किस चीज की, रेजिस्टिविटी की. तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है एट कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको दी गई है 1.62 × 10⁻⁷ ओम मीटर. तो इसीलिए ये कंडक्टर है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी लो है. लेकिन इसी मेटल के अंदर क्या करते हैं, अपने और मेटल ऐड कर देते हैं होमोजेनस मिक्सचर यानी एलॉय बनाने के लिए. जैसे कॉपर में हमने ऐड कर दिया मैग्नीज, दूसरी मेटल ऐड कर दी हमने निकल. तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास में क्या बन जाएगा, एलॉय. और एलॉय का नेम क्या होता है, मैंगनीन. तो मैंगनीन की अगर रेजिस्टिविटी की हम बात करते हैं, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, इसकी रेजिस्टिविटी गिवन है 44 × 10⁻⁶ ओम मीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अकेली मेटल है या अकेली मेटल है ऐसा ऐसी मेटल है जो कंडक्टर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है. लेकिन इसी मेटल के अंदर अगर और मेटल को ऐड कर दिया जाए तो उसमें जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है. तो इसका मतलब एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से क्या होती है, हमेशा ही ग्रेटर होती है. अब एलॉय का कहां यूज करते हैं वो देखते हैं. एलॉय का हम यूज करते हैं हीटिंग डिवाइस में. हीटिंग डिवाइस की अगर बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है इलेक्ट्रिक आयरन.
और सम अदर एग्जांपल जैसे टोस्टर। तो ये जो हीटिंग डिवाइस है इनके अंदर किस चीज का यूज किया जाता है, इनके अंदर यूज किया जाता है एलोय का। इनकी रेजिस्टिविटी आप देखोगे कि ज्यादा है, जैसे हम इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक आयरन में कोड होती है जो हीट होती है, तो उसकी जो जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इन ये हीट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उस हीट का हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे वो बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये वो कोर्ड है इलेक्ट्रिक आयरन की, कोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। अब क्या होगा, इसमें हम मान लेते हैं ये चार्ज है, ये क्या है चार्ज। अब चार्ज को आप या तो इलेक्ट्रॉन मान सकते हो या आपको इसको पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो, क्योंकि हमने दोनों ही बात की है कि एक्चुअल में फ्लो तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन कन्वेंशनली कंसिडर किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। तो इनके सामने जो है इनको ये एटम बना देता हूं, या इनको आप आयन कह सकते हो, ये एटम या आयन है। जब ये चार्ज फ्लो होगा या आप कहोगे क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इन चार्ज या इलेक्ट्रॉन के सामने रिटार्डेशन यानी रुकावट आती है। क्या आती है, रिटार्डेशन। और ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस की जाती है, प्रोड्यूस्ड बाय एटम्स या आयंस। आप इसको इसी तरह से समझ सकते हो जैसे कि सामने से हवा चल रही हो, आप भाई साइकिलिंग कर रहे हो, तो सामने से क्या लगता है, अपोज लगता है, तो आपको उतना ही क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, यानी मस्कुलर एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इस केस को आप उसी तरह से समझ सकते हो कि जैसे ये चार्ज फ्लो कर रहा है और चार्ज के सामने जो आयंस या एटम प्रेजेंट है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इन चार्ज को या इन इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, क्या करने के लिए, इस रिटार्डेशन को ओवरकम करने के लिए यानी दूर करने के लिए। तो इस केस में ये जो वर्क डन है, तो वर्क डन होगा तो यहां क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी होगी, हीट एनर्जी। तो आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें आप देखोगे ये ग्लास होता है इस तरह से, यहां पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं और बीच के अंदर एक क्या होता है, फिलामेंट, इस तरह से। ये फिलामेंट जो है अगर इसमें से चार्ज फ्लो करेगा या इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, दो तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एक तो कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, जिसको हम यूटिलाइज नहीं करते। दूसरा, हम यूटिलाइज कौन सी एनर्जी का करते हैं, लाइट एनर्जी का। किस चीज का यूज करते हैं, लाइट एनर्जी का। ये जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का ही क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इसके जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा तो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा अपोज को कम करने के लिए, और वो एक्स्ट्रा वर्क डन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है कि एलोय एंड टंगस्टन, एलोय और टंगस्टन में या इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या नहीं होते, ऑक्सीडाइज पर भी ये क्या नहीं होते, बर्न नहीं होते। तो इस वजह से अपने टंगस्टन और एलोय का यूज करते हैं दोनों ही इक्विपमेंट में, आप कह सकते हो वो हीटिंग डिवाइस के अंदर और लाइटनिंग डिवाइस में। अब बात करते हैं थर्ड, अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन जो पोल से पोल तक होती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन है जनरली किस चीज की बनाई जाती है, या तो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है या जो जनरल वायर होती है वो होती है
कॉपर की, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, और इनमें से चार्ज इजिली फ्लो होता है, यानी ये चार्ज फ्लो होने पर हीट अप भी नहीं होते।